नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। दोस्तों, महिलाओं में अस्तन में गठान होना एक आम समस्या है। अस्तन में गठान अगर होती है तो महिला के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, ये ग्रोथ कैंसरस तो नहीं, ये कैंसर की ग्रोथ तो नहीं। दोस्तों, हम आपको एक बार बहुत क्लियर बताना चाहेंगे, अस्तन में गठान होना हर बार कैंसरस नहीं हो सकती या हर कैंसरस गठान के लक्षण नहीं है, परंतु वो कैंसर की है या नहीं है इसका जजमेंट डॉक्टर को करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। अगर कैंसरस गठान है तो उसको पता करने के लिए सिंपल सी दो जांचें होती हैं जो इनिशियली बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। जब सबसे पहले आप उसका ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसको मेमोग्राफी बोलते हैं, या एक FNAC, जिसको एक सिरिंज सुई चुभो के एक उसका जांच करी जाती है, जिससे करा के कंफर्म हो जाता है, काफ़ी हद तक पता चल जाता है ये ग्रोथ जो है वो कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। दोस्तों, जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है या नॉन कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं, बगैर कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं या गठाने होती हैं, वो कुछ वजहों से बनती हैं। जैसे यदि हमें अस्तन में चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से हो सकती है, या ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से गठान मिल सकती है, जो कि फोड़ा हो सकता है और सिस्ट बन सकता है, या फिर जो ब्रेस्ट की डक्ट होती है उसमें गठान बन सकती है। इनके साथ साथ ब्रेस्ट में लाइपोमा मिल सकता है। लाइपोमा मतलब फैट की गठान हो सकती है, या फाइब्रोइडनोमा हो सकता है, जो एक फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है, ये मिल सकता है। इस तरह की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। जो भी है, डॉक्टर को अपने इसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। दोस्तों, अगर आपकी ये गठाने नॉन कैंसरस हैं तो उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका बहुत अच्छा रोल होता है। उन दवाओं का मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। जिन दवाओं का मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये दवाएं वेल प्रूवन हैं। इन दवाओं का मैं खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छा रिजल्ट पाया हूँ। ये दवाओं को मैं तमाम रिसर्च के बाद आपके पास ले आया हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है जब ब्रेस्ट में एब्सिस हो गया है, फोड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। उसमें देखेंगे कि ब्रेस्ट में रेडनेस मिल सकती है, लालपन मिल सकता है, छुएंगे तो बहुत पेन होता है और बहुत बार मवाद निकलता रहता है। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो उसके लिए दोस्तों बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। बेलाडोना की 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी की दो दो चार चार बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों कार्बोएनामिलिस। कार्बोएनामिलिस दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है जब मरीज CS सर्विक्स मतलब सर्विक्स के कैंसर से या फिर यूट्रस के कैंसर से सफर कर रहा है, साथ ही साथ उसको ब्रेस्ट में गठान मिल रही है, तो उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। या फिर यदि मरीज खुद जो है ब्रेस्ट के कैंसर से सफर करने लगा है या कर रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर की भी अच्छी मेडिसिन साबित होती है। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनमें राइट साइडेड ब्रेस्ट में दिक्कत हो रही है, उनकी अच्छी मेडिसिन साबित होती है। जो कार्बोइनेमिलीज का पेशेंट होता है, ऐसे पेशेंट के ब्रेस्ट में जो गठान होती है वो कठोर होगी, हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, और उसको उसको उसके ऊपर की स्किन अगर देखते हैं तो स्लाइटली आपको ब्लूइशपन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इसकी दोस्तों कार्बोएनामिलिस मेडिसिन होती है। कार्बोएनामिलिस की 30 पोटेंसी आपको यूज़ करनी है। 30 पोटेंसी की चार चार बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन होती है दोस्तों कोनियम है। कोनियम मेडिसिन दोस्तों कोनियम में बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है उन लोगों के लिए जिनमें ब्रेस्ट की गठान के साथ साथ चक्कर बहुत ढेर सारे आते रहते हैं। ऐसे लोग जिनमें अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो ब्रेस्ट में चोट लगने की हिस्ट्री जरूर मिलती है, उनके लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। ऐसे पेशेंट जिसमें अक्सर मेंसेस इररेगुलर रहते हैं, उनकी साइकिल अच्छी नहीं रहती है, उनके लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। अगर ऐसे पेशेंट हैं तो उनके लिए कोनियम मैक मेडिसिन है। कोनियम मैक मेडिसिन की 30 पोटेंसी लेनी है। इसकी चार चार बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आखिरी मेडिसिन होती है कैल्क्रिया कार्ब। कैल्क्रिया कार्ब दोस्तों बेसिकली जो महिलाएं 45+ या 40+ हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, जिनकी शरीर में फैट ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। या फिर ऐसे पेशेंट जो थायराइड की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है। अगर ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं तो कैल्क्रिया कार्ब की 200 पोटेंसी लेनी है। इसकी दो दो बूंद सुबह और शाम लीजिए। लॉन्ग टर्म में मेडिसिन यूज़ करनी होती हैं दोस्तों, लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ठीक हो जाते हैं पेशेंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आप खुद भी फ़ायदा लीजिए, अपने जानने वाले चाहने वालों के साथ भी शेयर करके इनको फ़ायदा दिला सकते हैं। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।